नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि 2023 जो है वो आपके लिए शुभ होगा। और आज हम जो है फिर आपके साथ हमारी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज दास्तान का एक और एपिसोड लेके आए हैं। और आज का जो एपिसोड है उसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग है जो आप सुनेंगे, और वो बहुत ही अनसुनी कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो है पंजाब माफिया से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब माफिया, पंजाब माफिया इस समय जो है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पिछले साल जो है 2022 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मई या जून में जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, और उसमें जो है गोल्डी बरार का नाम लिया गया था। और फिर इसी बीच में जो है रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक हुआ पंजाब में, और उसके जो तार हैं बहुत सारे लोगों से जुड़े। तो आज का जो एक कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा वो बहुत ही अनसुनी है, वो अभी तक शायद किसी मीडिया चैनल ने उसको टेलीकास्ट नहीं किया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, या शायद किसी के पास उपलब्ध नहीं है इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स जो हैं टीआरपी के लिए बहुत सारी कहानियाँ और किस्से कहानियाँ, मनोरमा कहानियाँ जैसे जो फिक्शन कहानियाँ होती हैं उनको क्राइम के रूप में, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के रूप में दिखाते हैं। तो आज की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल है। पंजाब माफिया में इस समय जो सबसे मोस्ट वांटेड और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग है, और ये कॉल रिकॉर्डिंग है रेंडा, गोल्डी बरार, लखबीर, लखबीर लंडा जिसको कहते हैं, हिरके, लकी पटियाल और रमन जज। रमन जज जो है वो शायद जो है जयपाल बुल्लर गैंग का मेंबर है उसका है, और जज जो है इनका एक सरनेम है, एक कहते हैं कि मतलब एक सरनेम हो गया वहाँ। तो ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये इन सब लोगों की है कि जो गोल्डी बरार है, रिंडा है और रमन जज है, इन सब की आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, और किस तरीके से गैंगस्टर्स जो है, माफिया जो है, मोस्ट वांटेड जो है, वो आपस में जब बात करते हैं तो किस तरीके की बात करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स मीडिया के माध्यम से या इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के माध्यम से सुनी होंगी वो हमेशा या तो एक्सटॉर्शन की कॉल रही होंगी, या फिर किसी से इंटरव्यू दिया गया हो वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी गई होंगी, लेकिन पहली बार एक कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है, और कैसे गैंगस्टर्स मोस्ट वांटेड आपस में बात करते हैं तो ये आप पहली बार सुनेंगे। वहीं दूसरी ओर ये 2023 की पहली हमारी इन्वेस्टिगेटिव वीडियो है दास्तान सीरीज की, और जो दूसरी तरफ ये है कि साल की शुरुआत हम इस कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ पंजाब माफिया से रिलेटेड हमारे चैनल पे देखें जो कि एक्सक्लूसिव होगा। तो आपको वो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए और खुद जज करिए कि ये क्या बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पंजाबी जो है मेरी इतनी फ्लुएंट नहीं है, मुझे पंजाबी बिल्कुल ना के बराबर आती है, मुझे सिर्फ दो चार शब्द समझ में आते हैं या बोलने आते हैं पंजाबी के, क्योंकि मेरी पंजाबी मेरी लैंग्वेज नहीं है। जितनी फ्लुएंट मैं इंग्लिश और हिंदी बोल लेता हूँ और या फिर बुंदेलखंडी बघेलखंडी बोल लेता हूँ, उतनी फ्लुएंट मेरी जो है पंजाबी नहीं है, क्योंकि पंजाबी मेरे लिए एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको मेरे को बहुत समझना कठिन लगता है, जो कि ठेठ पंजाबी लैंग्वेज है। तो सुनिए ये फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग, ना फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं, एक कॉन्फ्रेंस कॉल रिकॉर्डिंग जो इन सब गैंगस्टर्स, इन सब माफिया और इन सब मोस्ट वांटेड ने आपस में की है। ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ
और आज के लिए अब ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, आपको आगे भी जो है पंजाब माफिया से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपोजेस हम आपके सामने लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ दास्तान सीरीज में। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विराम।